नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एसआर टीवी गाइड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टार उत्सव चैनल को लेकर, ये डीडी फिर पर कब तक आ सकता है और इसके सीरियल आप लोग जो है क्यों और कहां मतलब कब से देख सकते हैं, जैसे कि गुम है किसी के प्यार में और जो है राधा कृष्ण अनुपमा और स्टार उत्सव के जो भी पॉपुलर सीरियल थे, क्या ये आप दंगल टीवी भी आप इन पर देख सकते हैं। जैसा कि बहुत से लोग आपको बता भी रहे होंगे कि दंगल भी ये सीरियल दिखा सकता है, आपको हम ये भी बताएंगे दंगल क्या इन्हें कभी भी दिखा सकता है, या ये सीरियल आपको कैसे सेमारू नेटवर्क पर कब से देखने को मिलेंगे, या स्टार उत्सव चैनल कब तक वापस आएगा, या ये सेमारू नेटवर्क जो है कब से इनको दिखा सकता है, दिखाएगा भी या नहीं, और हम आपको बताएंगे कि एक सीरियल को दिखाने के लिए दूसरे चैनल को क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है और चैनल का जो है क्या क्या रूल होते हैं उस दूसरे चैनल को देने के लिए। आज हम आपको सारी बातें क्लियर करेंगे। बस आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको DDFreeD DTS सीरियल संबंधित सारी अपडेट मिलती रहती है। सबसे पहले हम अगर बात करें इसे सेमारू नेटवर्क इनको दिखा सकता है या नहीं, तो सेमारू नेटवर्क जरूर दिखा सकता है क्योंकि वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है और उस पर स्टार उत्सव स्टार प्लस के ही सीरियल अधिकतर आते हैं। बाकी जो है सेमारू नेटवर्क तब ये सीरियल दिखाएगा जब स्टार प्लस या स्टार नेटवर्क जो है इनको अपने सीरियल्स के राइट दे देगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर सेमारू नेटवर्क को आज ही राइट मिल जाए किसी भी सीरियल का, तो सेमारू नेटवर्क जो है आज ही से वो सीरियल का प्रोमो जारी कर सकता है, और अगर राइट नहीं मिलेंगे तो ये सीरियल सेमारू नेटवर्क नहीं दिखा सकता है। दूसरे पर बात करें, स्टार प्लस जो है दूसरे सीरियल यानी कि अपने चैनल के सीरियल दूसरे पर दिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले जो है स्टार प्लस अगर कोई सीरियल स्टार प्लस पर शुरू होता है तो वो स्टार प्लस का होता है, स्टार प्लस उसको पूरा दिखाता है। उसके बाद में वो सीरियल चलता रहता है या ज़्यादा बड़ा हो जाता है या कुछ छोटा सीरियल हो जाता है तो कम्प्लीट हो जाता है, या कुछ दिन हो जाते हैं लगभग एक साल या छः महीने से ऊपर हो जाते हैं, तो वही सीरियल शुरुआत से जो स्टार उत्सव यानी कि स्टार उत्सव पर वो स्टार प्लस अपना सीरियल शुरू कर देता है। उसके बाद जो स्टार उत्सव पर भी वो सीरियल जब चल जाता है आधा फीदा, तो उसके बाद में वो किसी अन्य नेटवर्क को अपने राइट देने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि सेमारू नेटवर्क। अगर कोई भी नेटवर्क चाहता है कि आप हमें इस सीरियल के राइट दे दो, तो स्टार प्लस जो है उस सीरियल के राइट उसको दे देता है, तब वो उसको राइट मिल जाते हैं, तब वो उसको प्रसारित करता है अपने चैनल पर। तो यही प्रक्रिया अपनानी होगी सेमारू नेटवर्क पर, तब जाके आपको सीरियल देखने को मिलेंगे। अब रही बात स्टार उत्सव वापस आने की, तो स्टार उत्सव जो है चैनल जो है जल्दी वापसी करेगा DDFreeD पर। इसके साथ साथ अन्य भी चैनल वापसी करने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।